किसी फिल्म में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं अक्षय कुमार और उनका चरित्र इस फिल्म में है हवलदार ईश्वर सिंह की। लेकिन क्या आप जानते हैं हवलदार ईश्वर सिंह शहीद होने के बाद उनके खुद के भाई ने उनके पत्नी को मार डाले और उसके बाद उनके भाई को काला पानी की सजा हुआ जो अभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऐसे और बातें जानेंगे ईश्वर सिंह के बारे में जो शायद आपको चौंका देगा। बने रहिए मेरे साथ रहस्य लाइव में, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। हवलदार ईश्वर सिंह पंजाब से बिलोंग करते हैं। लुधियाना के जगराव तहसील में इनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी वहीं पर ही खेती करते थे। बचपन के दिनों से ही ईश्वर सिंह बहुत चंचल स्वभाव के थे। उसे मारपीट, लड़ाई, झगड़ा बहुत पसंद था। इसी के चलते उनका दिलचस्पी हुआ था एक सैनिक बनने की और बाद में उसे 18 साल की उम्र में सिख रेजिमेंट में एंट्री हुआ। शुरुआती दिनों में वो 165 नंबर रेजिमेंट के हिस्सा थे। बाद में उनका रेजिमेंट चेंज हुआ था। ये रेजिमेंट चेंज होने के पीछे भी और एक कहानी है। एक ब्रिटिश इतिहासकार ने बताया है कि ईश्वर सिंह का चंचल स्वभाव पंजाब फोर्स में भर्ती होने के बाद भी नहीं गया था, तो इसी के चलते उनका रेजिमेंट में उनसे जो सीनियर थे उनसे बहुत बार वादानुवाद, यहाँ तक कि छोटे मोटे हाथापाई भी हो गया था। तो इसी के चलते उसको बाद में सिखों के 36th रेजिमेंट में तबादला किया गया था। ये बात है सन 1887 साल के। इसके बाद 1897 साल में 36वां सिख रेजिमेंट के लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन ऑक्टन ने इस पूरे रेजिमेंट को 5 हिस्से में बांट दिया, समाना हिल्स, कुरक, सनगर, सटअपधर और सरागई। ईश्वर सिंह को जगह मिला सरागई में। वो तब हवलदार पद में था। उनके साथ 20 और सैनिक को वहाँ पर भेजा गया। सभी युद्ध करने वाला सैनिक नहीं था, वहाँ पर बावर्ची भी थे, वहाँ पर सिग्नल डिकोडर भी थे। इन लोगों का काम वॉर में कुछ नहीं था। ये फोर्ट कनेक्ट करता था लोकहट किला और गुलिस्तान किला को, क्योंकि सभी पहाड़ी पे हैं और ये सबसे ऊंचे पहाड़ी पे होने के कारण सरगरी से कांच से सिग्नल भेजते थे कोई भी अगर मैसेज देना होता तो। इसके बाद क्या हुआ आप तो शायद फिल्म में देखे ही है, जब 10,000 से 12,000 अफगानी ने हमला कर दिया था सरगरी पे। इस फोर्ट का लीडर हुआ करते थे हवलदार ईश्वर सिंह। उन्होंने जल्दी से दोनों फोर्ट पे ही सिग्नल भिजवाया ताकि वहाँ से सहायता मिल सके, लेकिन उन लोगों ने बता दिया था कि तुरंत सहायता मिलना नामुमकिन है, आप लोगों को वहाँ पर डटे रहना होगा। तो वो लोग सुरक्षा के जगह पर अफगानियों पे वार करने लगा, लेकिन इतनी सैनिकों के सामने वो सिर्फ 21 ही थे। उनके पास सिर्फ थे .303 कैलिबर राइफल, जो था सिंगल शॉट। कारतूस भी उनके पास बहुत कम थे, तो अफगानियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और 21 के 21 सैनिक अफगानियों के हाथों शहीद हो चुके थे। इससे पहले बहुत सारे बायोपिक किया गया था हवलदार ईश्वर सिंह के ऊपर, लेकिन केसरी है एक बहुत ऊंचे दर्जे का बायोपिक, क्योंकि ये कर रहे हैं अक्षय कुमार जो कि ऑलरेडी एक पॉपुलर हस्ती है, इसलिए हिट तो होना ही है। 12 सितंबर को सरगरी में ये घटना हुआ था। और क्या आप जानते हैं इस 12 सितंबर को मनाया जाता है सरगरी डे के हिसाब से। 21 जवानों को ऑनर करने के लिए 2 सरगरी मेमोरियल गुरुद्वारा बनवाया गया था, एक फिरोजपुर में और एक अमृतसर में। गूगल पे अगर सर्च करेंगे हवलदार ईश्वर सिंह, जो रिजल्ट आएगा वो है एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर कैप्टन ईश्वर सिंह की, जिनके जन्म 1895 में हुआ था। इनके साथ हवलदार ईश्वर सिंह की कोई समानता नहीं है। हवलदार ईश्वर सिंह के देहांत के बाद उनके भाई ने ईश्वर सिंह की पत्नी यानी अपनी भाभी को मार डाले थे और उनको काला पानी का सजा भी हुआ था। तो दोस्तों इनमें से सबसे चौंकाने वाले बात आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों अपने कमेंट का।